नमस्कार। आज का ये सत्संग हमारे जीवन में आने वाले कष्टों और दुखों के ऊपर आधारित है। कई बार जीवन में दुख का और कष्ट का एक ऐसा समय आता है कि हमें लगने लगता है कि न जाने ईश्वर हमसे क्यों नाराज है। तो आइए आज इसी विषय पर चर्चा करें। सर्वप्रथम तो हम संसार में आए हैं और संसार दुखालय ही है। यहाँ दुखों का ही निवास है, तो दुखालय में रहकर हमारा सामना दुखों से ना हो ये कैसे संभव है? जैसे कि हम अगर किसी नाले के सामने या नाले के पास खड़े हों तो उसकी दुर्गंध हमें आएगी ही। ये नहीं हो सकता कि पास खड़े रहकर हम उस नाले की दुर्गंध से बच जाएं। जैसे कि महाराज जी कहा करते थे कि ये धरती मृत्यु लोक है, जो यहाँ आए हैं उन्हें जाना ही है, कोई पहले जाए या बाद में, आए तो सब जाने के लिए ही हैं। अपने अपने कर्म करके अपना अपना प्रारब्ध भोग कर सभी को चले जाना है। महाराज जी के वचन हैं, ये संसार दुखों का बाजार है और आपको यहां से गुजरना है। यहां सुख केवल एक भ्रम है। सुख का रूप लेकर दुखी हमारे जीवन में आता है। ऐसा समझिए कि दुखी है पर उसके ऊपर लेबल सुख का लगा हुआ है। वो तो जब हम परिणाम देखते हैं सुख का, तब हमें ये बोध होता है कि अरे ये तो सुख के आवरण में दुखी छिपा हुआ था। सत्य तो यही है कि संसार में हर तरफ दुख ही है, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जब इस दुख के बाजार से गुजर रहे हो तो आप कैसे गुजरते हैं। आप दुख के खरीदार बनकर गुजर रहे हो या फिर केवल एक यात्री बनकर जो जो आपको दिख रहा है आप बस देखते हुए निकलते जा रहे हो। महाराज जी अपने सभी भक्तों को यही कहा करते थे कि संसार में केवल एक ही दुख है, केवल एक। पल पल हमारी श्वास बेकार जा रही है और हम प्रभु नाम का जाप नहीं कर पा रहे हैं, बस यही एक दुख है। इससे बड़ा दुख संसार में और कोई नहीं है। शेष सभी कुछ तो प्रभु कृपा से चल ही रहा है, प्रकृति चला ही रही है और आगे भी चलता ही रहेगा। संसार में हमारा जन्म केवल एक काम के लिए हुआ है। ये अमूल्य जीवन जो ईश्वर ने दिया है उसका केवल एक ही उद्देश्य है, जब तक श्वास चल रही है राम राम करते चलिए। अगर ये नहीं है तो फिर भारी दुख है, और अगर राम साथ हैं तो दुख भी दुख नहीं है, केवल एक समय मात्र है जो आया है बीत जाने के लिए। जिस तरह आप किसी पुस्तकालय में जाकर, पुस्तकालय में खड़े होकर जाकर आप उससे लड्डू देने की जिद नहीं कर सकते। पुस्तकालय में तो पुस्तक ही मिलेगी, मिठाई नहीं मिल सकती। उसी प्रकार
दुखालय में जन्म लेने के बाद आप केवल सुख की अपेक्षा नहीं कर सकते। इस संसार में जीवन जीने का एकमात्र उपाय है जिसने ये दुखालय का निर्माण किया है, जिसने ये प्रकृति बनाई है, इस मृत्युलोक की रचना की है, क्यों ना उसी के शरणागत हो जाएं, उन्हीं की शरण में चले जाएं, सर्वस्व उन्हीं को समर्पण कर दें और उन्हीं के नाम का सुमिरन हर पल करते रहें। उनकी ही सेवा और प्रेम में इतने मग्न हो जाएं कि हर परिस्थिति में उनकी ही लीला का गुणगान करने लगे। इस प्रकार से न केवल जीवन सुखमय हो जाएगा बल्कि दसों दिशाएं सुखमय लगने लगेंगी। एकमात्र महाराज जी का भरोसा करके राम राम का जाप करें, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और आप देखें कि पवन पुत्र श्री हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे हर स्थिति, हर परिस्थिति में। कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री गुरुदेव अपनी शरण में आए हुए को कभी अनदेखा नहीं करते हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे 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 कृष्णा कृष्णा।